हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रिस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप इस वीडियो को। एंड इसी टॉपिक के ऊपर मैंने लास्ट ईयर पे एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था। एंड इस साल अगर कुछ नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने शायद वो लास्ट ईयर का हेलुसिनेशन वीडियो नहीं देखा था, तो उनके लिए ये वाला वीडियो है। आफ्टर अवेकनिंग, यानी कि अवेकन होने के बाद कई लोगों को के अंदर एक चीज़ देखी गई है जिसमें ये है कि उनको शुरू शुरू में तो टेंशन होती है थोड़ी बहुत, बाद में दिमाग जो है वो फुल ऑफ थॉट्स होने लगता है, मिक्स इमोशंस फ्लो करने लगते हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी पुरानी बातें याद आ रही हैं, उसके कुछ समय बाद थोड़ा एंजाइटीज होने लगती हैं एंड कई बार डिप्रेशन भी हो जाता है। सो इन चीज़ों के अलावा भी दो और चीज़ें हैं, दो से तीन, जिस जो कि लोग को आती है आफ्टर अवेकनिंग। क्या है वो? तो लोगों को हाई लेवल का इल्यूजन होने लगता है, ठीक है, आफ्टर अवेकनिंग। ट्विन जर्नी इज ऑल्सो अंडर एन अवेकनिंग, ठीक है। आपका पर्सन, कोई कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में आया, आपने उसको देखा और आपको एकदम से सम्मोहित हो रहा है, आपको लग रहा है इसके साथ मेरा कुछ है पास से लेना देना, या फिर वो चला गया या चली गई, उसके बाद आपको कुछ हो रहा है इस तरीके का, तो ये भी जो है ये भी अवेकनिंग के अंडर आता है। इसके अलावा कई लोगों का कोई एक्सीडेंट हो गया, कई लोगों का कोई बिजनेस में लॉस हो गया, कईयों का कुछ और हो गया, उसमें भी कई बार क्या है कि लोगों की अवेकनिंग, किसी का घर में उसका कोई प्रिय चला गया तो उसके बाद भी कई बार लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार किसी का एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, कई बार उसमें भी बंदे की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो शुरू में तो वो बंदा थोड़ा सैड रहता है, कटा कटा रहता है, फुल ऑफ थॉट्स रहता है, पास्ट की बातें याद आती है, पुरानी बातें याद आती है, बचपन में उसके साथ क्या हुआ, पेरेंट्स ने उसके साथ क्या किया, दोस्तों ने उसके साथ क्या किया, सारी बातें आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से या अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज से वो उन चीज़ों को रिलीज कर सकता है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपनी इन्वेस्टमेंट एनर्जी की, उनका वो चीज़ और बढ़ने लगता है, और बढ़ने लगता है, और वो आगे चल के इल्यूजन्स और हेलुसिनेशन में बदलने लगता है। मैं बहुत से क्लाइंट्स को ऐसे चुकी हूँ अपने सेशंस में जिन्होंने खुद बोला है कि हमें हेलुसिनेशन होते थे पहले, हमारी इतनी ये चली, बहुत ट्रीटमेंट चला। तो ये भी एक चीज़ है जो बहुत सारे होने लगता है, ये इल्यूजन्स, हाई लेवल का भ्रम जो है ही नहीं वो लग रहा है, हेलुसिनेशन उससे भी बड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊं और आप बोलो कि ये कुछ हो रही है, या मैं आपको दिखाऊं कि ये देखो माँ पार्वती और आप बोलो कि ये मैं ही हूँ। सो इस तरीके की और इससे भी ज़्यादा चीज़ें कई लोगों के साथ होने लगती है, हाई लेवल के भ्रम होने लगते हैं, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, बेमतलब के, जो चीज़ें है ही नहीं वो चीज़ें उनको जा रही हैं। कैसे हो रही हैं? क्योंकि अंदर से उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है और वो कई लोगों के सामने बड़े कॉन्फिडेंस से वो बातें कर रहे होते हैं और लोग उनको देख के ऐसे सोच रहे होते हैं कि हे भगवान, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। बट उनको वो भ्रम सच लग रहा होता है, क्यों? क्योंकि उनको वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और उनको लगता है कि अरे कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, मैं तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो इस इल्यूजन वर्ल्ड में खो चुके हैं, हाई लेवल का हेलुसिनेशन हो रहा है उनको, जो चीज़ें है ही नहीं वो चीज़ें उनको दिख रही हैं और जो चीज़ें साफ साफ कुछ और है वो उनको कुछ और ही लग रही है। कई बार आफ्टर अवेकनिंग बंदा थोड़ा अवेयर होता है, वो पहले से अवेयरनेस में होता है, तो उसके साथ जब ये सी चीज़ें होने लगती हैं तो वो क्लिक करने लगता है कि यार ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, कुछ अलग ही माया चल रही है मेरे साथ, मुझे इसको रोकना पड़ेगा। ऐसे लोग फिर भी स्किन से निकल जाते हैं, इस ड्रामे से, इस इल्यूजन से, इस पागलपन से, हेलुसिनेशन से निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों को कुछ होता ही नहीं है, वो उसमें डूबते 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 ही चले जाते हैं, उनको भ्रम सच लगने लगता है और जो माया है उनको ऐसा फील कराती है कि जो तू सोच रहा है वो बिल्कुल सत्य है, और उसका और ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है, आगे चल के ये चीज़ पागलपन, पता नहीं क्या क्या बर्बादी कर देती है बंदे को, मानसिक तौर पर तो पूरा ही ख़त्म कर देती है। सो द पॉइंट इज कि आप किसी को ऐसे हाई लेवल के इल्यूजन्स हो रहे हैं, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड को, वो मेरी क्लाइंट भी थी रिसेंटली, उन्होंने मुझे कॉल किया और शिवा से कि मैं पार्वती हूँ, एंड फिर मैंने उसको सोल्यूशन दिया कि मुझे लगता है मैं हाई लेवल का हेलुसिनेशन हो रहा है, भाई तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ, एंड कुछ चीज़ें मैंने और बताई उसको कि तुम इसको फॉलो करो तब तुम इस ड्रामे से बाहर निकलोगी, ठीक है। और ऐसे ही कई, आपने एक मूवी भी देखी होगी चंद्रमुखी,
उसमें विद्या चंद्रमुखी नहीं, वो तो हाँ चंद्रमुखी शायद साउथ में नाम है उसका, जो बॉलीवुड में था वो भूल भुलैया था। तो आप इस मूवी को अच्छे से देखो। इस मूवी में क्या है, विद्या बालन जो है एक कैरेक्टर को देखती है चंद्रमुखी के, और वो उसको देख के हिप्नोटाइज हो जाती है, वो उस कैरेक्टर में पूरा का पूरा घुस जाती है। घर में जब कोई नहीं होता तो वो अकेले में जा जाके नाच रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, पागलपंतिया उसी दुनिया में बैठी हुई है, अपने पति को जो है वो राजा समझ रही है, और पता नहीं किसी को जो है अपना प्रेमी समझ रही है। तो उस पता नहीं कौन सी भ्रम की दुनिया में खो जाती है। बाद में अक्षय कुमार आता है, पूरा करता है छुप छुप के, और उसको पता चलता है कि इसको हाई लेवल के हेलुसिनेशन इल्यूजन चल रहे हैं। उसके बाद वो उसके जगह जाता है जहाँ पे उसका बचपन बीता है, वहाँ से उसको पता चलता है कि इसके बचपन के भी कुछ इश्यूज थे, ठीक है। उसके बाद वो उसको पकड़ लेते हैं जब वो ऐसी हरकतें करती होती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक पूजा कराते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, दूसरा चैंट करने हैं कोई ना कोई पॉजिटिव, जैसे नमः शिवाय कर लो, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर लो अफर्मेशन जब भी वो नेगेटिव थॉट्स चलने लगे। तो एक तो उस फिल्म में क्या दिखाते हैं कि वो पूजा कराते हैं, ठीक है उसकी, और दूसरा क्या है कि उसका थेरेपी होती है एंड में। तो हिप्नोथेरेपी भी के थ्रू जो है वो जो कचरा आपके अंदर जम गया है ना, माया ने जो वो कचरा बनाया है आपके अंदर, उस कचरे को आप निकाल सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। बट ये इस चीज़ सोल्यूशन की तरफ भी वो लोग जाएंगे जो थोड़े से अवेयर हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि भाई कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, भाई ये कहीं मुझे पागलपन तक ना ले जाए, ठीक है। सिर्फ वो जाएंगे सोल्यूशंस की तरफ, जिनको कि वो भ्रम सत्य लग रहा है वो तो फिर अपना खराबी करेंगे। सो मेरे यहाँ चैनल पे बहुत बैलेंस है, उन्होंने पिछले साल भी वीडियो देखा है इस टॉपिक पे मेरे, और मुझे मालूम है कि वो काफ़ी बैलेंस हैं। बट जो कोई नए व्यूअर्स हैं जिनकी की ऐसी हालत हो रही है, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि इस इल्यूजन से और हेलुसिनेशन से बाहर निकलो, इस माया के गेम से बाहर निकलो, ठीक है। अवेयरनेस में आओ, जिन चीज़ों को तुम पागलों के जैसे देख रहे हो, सुन रहे हो कहीं से या पढ़ रहे हो, तो सुनना देखना बंद करो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, पॉजिटिव चांस करो, अपने घर वालों से डिस्कस करो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी डॉक्टर से बात करो, अपनी हिप्नोथेरेपी करा के उस सारे कचरे को अपने अंदर से बाहर निकालो, और धीरे धीरे कुछ 5-6 महीने में या कुछ टाइम बाद, तो एटलीस्ट कुछ टाइम बाद आप खुद ही देखोगे कि आप बिल्कुल ठीक होने लगोगे, नेसेसरी जो भ्रम आपके साथ क्रिएट हो रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर अवेकनिंग बहुत सारे लोगों को होता है ये पागलपंथी, ये हेलुसिनेशन, ये इल्यूजन्स, ये फॉल्स बिलीव, ये नकारात्मकता, पागलपन, ये बहुत सारे लोगों को फील होता है। सो कोई स्टेज तक अगर पहुंच रहा है तो उसके लिए मेरा ये वीडियो है, सोल्यूशन मैंने दे दिया है कि अगर आपके दिमाग में ऐसे पागलपंथी के चीज़ें आ रही हैं या नॉन स्टॉप कुछ ऐसा चल रहा है, तो उस टाइम अफर्मेशन करना शुरू करो, पॉजिटिव चांस करना शुरू करो, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को सुनना बंद कर दो, अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज़ में लगा दो, ठीक है, किसी हिप्नोथेरेपिस्ट से अपनी उसकी क्लियरिंग कराओ उन चीज़ों की, ठीक है। किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, उससे बात करो, किसी काउंसलर से सलाह लो, अपने पेरेंट्स से कर लेना, ठीक है, कि मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, मुझे बचाओ, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो, मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ इसमें। सो दैट्स इट, ये थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।